प्रदेश में लगातार बढ़ रही कमर तोड़ महंगाई को लेकर समाजवादी पार्टी की महिला सभा की तमाम महिलाओं ने महंगाई के विरोध में हल्ला बोलते हुए जमकर प्रदर्शन किया। महंगाई के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करते हुए कलेक्ट्रेट परिसर पहुंची। महिलाओं के मुताबिक आए दिन लगातार घरेलू गैस के दाम बढ़ रहे हैं और इसी के साथ ही आम आदमी के इस्तेमाल में लाई जाने वाली तमाम चीजों में बेतहाशा वृद्धि हो रही है, लेकिन सरकार इस पर अंकुश लगाने के लिए किसी प्रकार का कोई कदम उठाती नहीं दिख रही। जिस तरह से महंगाई चरम सीमा पर पहुंच रही है, उससे ये साफ लगता है कि सरकार जनता को पूरी तरह से तोड़ देना चाहती है। महंगाई चरम सीमा पर है, महिला बलात्कार, गैंगरेप, आए दिन महिलाओं की हत्या, देश हत्या, महिलाएं अपने को असुरक्षित महसूस कर रही हैं। किसी भी तरह से महिलाओं को वो नहीं है। इस भाजपा सरकार में पूरी तरह कानून गुंडा राज कायम हो गया है, पूरी तरह भ्रष्टाचार कायम है, कहीं भी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। पुलिस के बल पर, गुंडों के बल पर यह सरकार चल रही है और यह सरकार महिलाओं का अनदेखा कर रही है, राजनीति में उपेक्षा कर रही है और शिक्षा में उपेक्षा कर रही है, हर चीज में उपेक्षा महिलाओं की कर रही है। तो हम महिलाओं ने ये ठाना है कि अब भाजपा सरकार को हमको उखाड़ फेंकना है और इसके खिलाफ हम जंग लड़ाई लड़ेंगे और आगे भी इसी तरह लड़ते रहेंगे। और एक तरफ महंगाई की मार, दूसरी तरफ पेट्रोल और डीजल के बढ़ते दामों से आम आदमी त्रस्त हो चुका है। ऐसे में महिला सभा की कार्यकर्त्रियों का कहना है कि जब तक सरकार महंगाई कम नहीं करती, तब तक हमारा ये विरोध प्रदर्शन जारी रहेगा, क्योंकि इस महंगाई से जनता को जरूर राहत मिलनी चाहिए। बहराइच से जनमत न्यूज के लिए रिजवान खान की रिपोर्ट।